हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट ईयर रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर 9। तो जैसे कि गाइस आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि इस सर्वर में जो है ना, हैकर ने सारे के सारे बंदे भगा दिए हैं। लगभग 2-4 बंदे हैं, वो भी ड्रॉप वगैरह में आते नहीं है। तो यार इस सर्वर में खेल के क्या फायदा है। ऑलरेडी अपने पास जो है ना अराउंड 1.5 बॉक्स सल्फर है। तो अपना प्लान है कि जितना भी अपने पास सल्फर है वो वैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग बॉम्ब वगैरह बना के किसी का बेस वगैरह उधेड़े, तब जाके जो है ना हम लोग सर्वर लीव करते हैं। तो यार काफी ज्यादा मजा आएगा। तो फाइनली गाइज हम लोगों ने डिसाइड करा आज जो है ना हम लोग यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह बना के बेस वगैरह रेड कर लेंगे। एंड उसके बाद देखेंगे अपने पास कितना सल्फर बच रहा है। अगर अपने पास सल्फर बचेगा तो फिर जो है ना हम लोग नेक्स्ट डे काफी ज्यादा बॉम्ब्स बनाएंगे। फिर जो है ना अपन लोग किसी का भी बेस वगैरह रेड कर देंगे, इवन अपने को कुछ मिले या ना मिले। बस अपने को क्या है गाइस, मजे करने और मजे करके जो है ना इस सर्वर से निकलना है। बट आज जो है ना यार मैंने डिसाइड करा अपने पास यार टाइटेनियम का पूरा सेट है। तो मेरा प्लान है हम लोग जो है ना आज टाइटेनियम आर्मर का सेट का रेसिपी लर्न करेंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग टाइटेनियम आर्मर में घूमने वाले। एटलीस्ट यार हैकर भी मिले, वो अपने को मारता है तो यार थोड़ा सा उसको टाइम लगे कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहे कि अपन लोग भी जो है ना हैकर वगैरह को मार दें। तो देखते हैं यार आज हैकर मिलता है तो मारने का ट्राई करेंगे, नहीं तो यार खुद ही मर जाएंगे। एंड अभी देखो गाइज अपने पास लगभग 1 बॉक्स में आधा बॉक्स जीपी है एंड दूसरा बॉक्स सल्फर का, वो जो है ना वो टोटली भरा हुआ है। तो अभी जितना भी अपने पास जीपी है उसका जो है ना हम लोग फटाफट से अपने के लिए बॉम्ब्स वगैरह बनाएंगे। एंड उसके बाद जो है ना हम लोग निकलते हैं रेड करने के लिए। बट यहाँ पे जो है ना गाइस अपन के काफी ज्यादा फर्नेस चल रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पे जो है ना मैंने ओनली चारकोल रखा हुआ है। तो जैसे ही अपना चारकोल ये मेल्ट होगा मैं सारे के सारे कलेक्ट करूंगा। एंड जितना भी एक्स्ट्रा वुड जो है ना उसके फर्नेस के अंदर, उसका चारकोल भी जो है ना बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आया एंड ऑलरेडी अपन लोगों ने टाइटेनियम आर्मर का रेसिपी तो लर्न कर लिया। थोड़ा सा मेरे को टाइटेनियम चाहिए क्योंकि अपनी को जो है ना टाइटेनियम आर्मर बनाना है। तो उसी के लिए लगभग मैं 200 टाइटेनियम लेके चलता हूँ। अराउंड 200 टाइटेनियम में जो है ना लगभग 2 सेट तो बन ही जाएगा, मे बी उससे कम पे बनेगा बट अराउंड 200 तो लग ही जाएगा। तो ओके गाइज यहाँ पे मैंने टाइटेनियम वगैरह ले लिया है। तो अभी जो है ना हम लोग फटाफट से बनाते हैं अपने के लिए टाइटेनियम आर्मर। तो लगभग मैं 2-2 सेट बनाऊंगा क्योंकि अपना टीममेट जो है ना वो भी आएगा अभी। एंड हम लोग 2 हैं तो 2 सेट सफिशिएंट होगा, तीसरा सेट बना के कोई भी फायदा नहीं है। तो ओके गाइज अभी अपना टाइटेनियम आर्मर का सेट लगभग बन के रेडी हो जाएगा। तो जितना भी अपने पास जीपी है ना वो भी मैं उठाता हूँ। एंड जितना जीपी है उसका हम लोग जो है ना एक्सप्लोजिव क्राफ्ट करते हैं। एंड जैसे ही अपना एक्सप्लोजिव बनेगा बॉम्ब वगैरह बना के फिर हम लोग जो है ना यहाँ पर से निकलेंगे रेड करने के लिए। ऑलरेडी यार 2-3 बेस मैंने देखे हुए हैं जिनको हम लोग रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली सीफोर्स तो लगेगा बट अपने पास यार बॉम्ब बहुत है, बॉम्ब का कमी नहीं है। तो मजे करेंगे बेस उड़ा के। वैसे यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेक्स्ट सर्वर अपन लोग कौन सा खेले। वैसे मेरा मन कर रहा है कि एक सर्वर हम लोग लैंड ऑफ डाउन खेलते हैं या फिर डाउन आइसलैंड, कोई सा भी एक खेलेंगे उसको कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद जो है ना हम लोग अब नेक्स्ट सर्वर खेलेंगे। मतलब ये अभी जो है ना गाइस अपना प्लान है हम लोग हर एक बार में जो है ना न्यू सर्वर्स ट्राई करेंगे। एक बार ही हम लोग सिविलाइजेशन रैंक सर्वर, एक बार लैंड ऑफ डाउन, एक बार ही जो है ना डाउन आइसलैंड, तो तीनों खेलेंगे, मजा काफी ज्यादा आएगा। ओके गाइज मेरा मैं यहाँ पे बॉम्ब वगैरह बना रहा था तो मैंने देखा यार अपने पास जो है ना सीफर का रेसिपी नहीं है। तो फटाफट से जो है ना मैंने सीफर का रेसिपी ड्राफ्ट करा। एंड उसके बाद जो है ना लगभग हम लोग थोड़ा सा सीफोर बनाएंगे, थोड़ा सा हैंडमेड बजाएंगे, थोड़ा सा जो है ना ऑयल ड्रम बना के फिर जो है ना अपन लोग निकलेंगे यहाँ पे से रेड वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे गाइज जब तक मैं बॉम्ब्स वगैरह बना रहा हूँ तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 400। आई होप गाइज आप लोग 400 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। तो ओके गाइज लगभग मैंने यहाँ पे 15 C4 लगाए हुए क्राफ्टिंग में। अराउंड अपन लोग जो है ना 10 हैंडमेड बना रहे हैं। वैसे मुझे लगता है हैंडमेड का तो यूज कम ही होगा, मैक्सिमम यूज जो है ना अपना C4 का ही होगा। लगभग मैंने 17 के करीब ऑयल ड्रम्स लगा लिया है। तो अभी अपने को थोड़ा सा वेट करना है, जैसे अपने बॉम्ब वगैरह बन के रेडी हो जाएंगे फिर हम लोग निकलते हैं। बट यहाँ पे जैसे मैंने पूछा भाई अपना गाड़ी किधर है तो मेरे टीममेट ने बताया यार रात को जो है ना हमारा फेक 1 किलो से थोड़ा सा पंगा हो गया था तो उसने जो है ना गाड़ी उड़ा दी। तो मैंने कहा यार अब जो है ना मेरे को यहाँ पे एक नया गाड़ी बनाना पड़ेगा। तो चलो गाइस फटाफट से जो है ना मैं यहाँ पे अपना आर्मर वगैरह उठाता हूँ, फिर जो है ना अपन लोग गाड़ी बनाएंगे और फिर निकलते हैं
सीधा रेड वगैरह करने के लिए। ओके गाइज, अपना गाड़ी जो है ना लगभग बन के रेडी हो चुका है, गाड़ी जो है ना अपने बैकपैक में, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बुलेट वगैरह चाहिए, तो मैंने अपने टीममेट से बोला भाई हम लोग चलते हैं, तो ऐसे कर तब तक बुलेट्स वगैरह बना ले। एंड अपने टीममेट बोला भाई बुलेट्स वगैरह तो लगभग बनने वाली है, तुम फटाफट से गाड़ी वगैरह निकालो और हम लोग रेडी होके चलते हैं। तो भाई मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा, वैसे मुझे पता है डेफिनेटली मिलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि रैंक सर्वर है, 20% मिलेगा उसमें से क्या होता है, बट अपने को बॉम्ब वगैरह वेस्ट करना है ना, इतना सारा सल्फर है अपने पास, वो कब काम आएगा। तो चलो यार फटाफट से मैं जो है ना अपना गाड़ी यहाँ पे प्लेस करता हूँ और अब हम लोग चलते हैं सीधा रेड वगैरह करने के लिए। वैसे एक बेस है जो कि हम लोगों ने कल देखा था बायो के पास में, तो आज जो है ना अपन लोग सबसे पहले तो उसको उड़ाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी में फ्यूल वगैरह डाला, मैं यहाँ पे वेट चुका हूँ एंड अभी जो है ना अपना टीममेट भी आ चुका है। तो चलिए गाइस अपन लोग जो है ना फटाफट से चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे से निकले एंड गैस स्टेशन के सामने अपने को एक बेस दिखा जो कि जस्ट अभी बना था या फिर कल बना था, तो मैंने यहाँ पे चेकआउट करा एंड मुझे जो है ना फर्नेस वगैरह की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने डिसाइड करा चलो यार इसको फटाफट से हम लोग रेड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाए 3 ऑयल ड्रम्स एंड जैसे गाइस इसका यहाँ पे डोर वगैरह टूटा, जिसका ये बेस था वो बंदा यहाँ पे आ चुका है। वो बंदा बोलने लगा हाय देयर डोंट शूट, मैंने कहा यार अभी रेड चल रहा है अभी दिमाग खराब मत कर, बट यहाँ पे गाइज आ जो है ना अपना एम असिस्ट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा यार एम असिस्ट काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, अगर बिना एम असिस्ट के खेलना पड़ा ना तो अपन लोग तो और जी अल्ट्रा प्रो नूब हो जाएंगे, बट कोई नहीं गाइज अगर एम असिस्ट हटेगा तो सबके लिए हटेगा, मेरे लिए स्पेशल कहाँ है। तो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने जैसे इसका डोर तोड़ा, ये बंदा जो है ना अपने बैग में स्पॉन हुआ, तो फटाफट से इसको मैंने यहाँ पे नॉक किया एंड दोबारा से जो है ना अब ये अपने बैड में स्पॉन हुआ है एंड इसको हम लोगों ने दोबारा फिनिश किया। अब थोड़ा सा टाइमिंग है तो इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मैंने फर्नेस वगैरह चेकआउट करा, बट फर्नेस में जितना भी लूट था ना थोड़ा बहुत अपने टीममेट ने उठा लिया है। तो अभी अपन लोग जो है ना फटाफट से ऐसे करते हैं इसके कैबिनेट पे लगाएंगे ऑयल ड्रम एंड जितना भी थोड़ा बहुत लूट वगैरह गिरेगा वो उठा लेंगे। ओके यार यहाँ पे स्टोरेज बॉक्सेस में इसका लॉक नहीं है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट था एंड सारे का सारा कंपोनेंट जो है ना मैं एंड मेरा टीममेट उठा लेगा। एंड अभी जो है ना अपन लोगों ने इसका कैबिनेट में लगाया बम एंड इसका कैबिनेट तो यहाँ पे टूट चुका है, तो देखते हैं गाइस इसके कैबिनेट से क्या मिला, थोड़ा बहुत लूट है सारा का सारा उठाते हैं और निकलते हैं। तो उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे एंड फिर जो है ना हम लोग निकले यहाँ पे सब बायो में एंड जैसे ही हम लोग बायो के पास पहुँचे तो आज जो है ना गाइस लगभग मैं 5:30 बजे निकला था अपने बेस से। तो मैंने कहा यार कल तो इस बंदे ने अपना कैबिनेट वगैरह तोड़ा था, जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो मैं समझ गया था भैया बंदे के फुटस्टेप्स आएगा एंड बंदे ने जो है ना डेफिनेटली अपना कैबिनेट उड़ा दिया है। तो इस सर्वर में गाइस लगभग 3 बंदे काफ़ी चक रहे थे, मतलब जैसे 5:30 बजते हैं वो बंदे अपना कैबिनेट ही उड़ा देते हैं। भैया सही है वुड का रखो, रेड टाइम होते ही जो ना कैबिनेट उड़ा दो, कर ले बेटा रेड। वैसे मेरा मन नहीं है, अगर मन रहता ना तो कल तो ठीक 4:30 बजे जो है ना मैं इसके बेस के आगे खड़ा होता, जैसे 5:30 होता रेड टाइम ऑन होता तो सीधा इसके बेस को हम लोग उड़ा देते, बट कोई नहीं गाइस। अभी जो है ना ये क्या सीन है भाई, ये कौन सा सीलिंग आ गया। तो यह बेस तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, तो मेरा प्लान था कि मैं जो है ना इसको रेड मारूंगा एंड यहाँ पे मैंने अपने टीममेट से बोला देखो भाई इसको रेड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अपना टीममेट बोलने लगा भैया C4 लगेंगे। मैंने कहा भाई टेंशन नॉट, अपने पास लगभग 24 C4s हैं, तो वो बोले भाई हो जाएगा फिर तो रेड। तो चलो यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रम्स वगैरह गिराता हूँ एंड वो ऑयल ड्रम्स जो है ना मैं अपने टीममेट को दे दूंगा, तो पहला डोर वो तोड़ेंगे एंड उसके बाद जो है ना हम लोग देखते हैं अंदर क्या डिमांड होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका डोर वगैरह तोड़ा एंड अंदर से जो है ना यहाँ पे है स्टील का, तो मैंने गाड़ी से फ्यूल वगैरह निकाल दिया। कोई बंदा जो है ना अपना गाड़ी वगैरह लेके ना जाए, यहाँ पे लार्ज फर्नेस लगी हुई है, तो हम लोगों ने चेकआउट करा यार लार्ज फर्नेस में तो कुछ था नहीं एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था चलो यार अंदर रेड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा रूफ वगैरह नहीं है तो अपने को ईजिली पता चल जाएगा इसका मेन डोर किधर है, तो यहाँ पे हम लोग चेक किया यहाँ पे तो डोर वगैरह नहीं दिख रहा है। तो मैं फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे से मैंने ग्लिच करके चेकआउट करा, यहाँ पे भी डोर वगैरह नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे गाइस अपने को डोर तो दिखा, तो मैंने कहा यार अभी जो है ना अपन लोग करते हैं इसको यहाँ पे से रेड। तो मैंने अपने टीममेट से बोला भैया यहाँ पे बॉम्ब वगैरह लगाओ एंड अपना टीममेट बोला मेरे पास तो बॉम्ब नहीं है, बॉम्ब तेरे पास है। तो मैंने कहा रुको यार मैं लगाता हूँ, ऐसे करें अपने टीममेट के लिए ड्रॉप कर ले। ओके गाइस मैंने ऑलरेडी लगता है पहले ही अपने टीममेट को दे दिया था 4C4 एंड अब अपने टीममेट के पास नहीं है। यहाँ पे मैं ड्रॉप तो किया था पर अपना टीममेट उठाया नहीं, तो मैंने कहा चलो यार ऐसे करता हूँ ना मैं ही इसको कर लेता हूँ। ओके यार उठा लिए, तो फटाफट से यार अपना टीममेट लगाएगा बॉम्ब एंड हम लोग देखते हैं अंदर जरूरत पड़ेगा तो अंदर हम लोग लगा देंगे। फर्नेस मैं भी चेकआउट कर लेता हूँ बट फर्नेस में तो कुछ है ही नहीं,
ओके गाइज, यहाँ पे ये डोर टूट चुका है एंड अंदर जो है ना यहाँ पे शॉटगन ट्रैप्स है, तो अपने को जो थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा यार। शॉटगन ट्रैप्स में काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स लगता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं इसका शॉटगन ट्रैप्स का बुलेट्स वगैरह ख़त्म करने का। थोड़ा सा डैमेज लिया, मैं बाहर आया एंड अपने टीममेट ने जो है ना यहाँ पे स्टील के डोर में लगा दिए थे 4C4। वो डोर तो टूट चुका है बट यार ये शॉटगन ट्रैप में बिल्कुल भी डैमेज नहीं आया यार। 4C4 में तो शॉटगन ट्रैप्स भी टूट जाता है एंड बॉम्ब तो हम लोगों ने डोर में लगाया था बट लगता है यार ये जो शॉटगन ट्रैप्स है उसमें डैमेज नहीं गया। उसके बाद यार मैं फटाफट से अंदर गया, मैं यहाँ पे C4 लगाने का सोच रहा था बट शॉटगन ट्रैप्स अपने को काफ़ी गंदा मारा, बट अंदर पहुँचा ये शॉटगन मार नहीं रहा है, तो अपन लोग यार जो है ना यहाँ पे फटाफट से लगाते हैं C4। चल भैया टूट जाओ। तो यार यहाँ पे C4 लगाया एंड उसके बाद मैं फटाफट से बाहर निकला एंड मैंने अपने टीममेट को बोल दिया था कि फटाफट से यार बॉम्ब वगैरह लगाया बाहर आ जाओ। जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा अपने को जो है ना ऑटो कैनन ने काफ़ी गंदा डैमेज दिया, बट यार जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे बचकर बाहर निकला, तो फटाफट से मैंने सिरिंज वगैरह लगाया। मैंने कहा यार अगर ऑटो कैनन में ज़्यादा बुलेट्स हुआ तो डेफिनेटली यार अपन लोग इसको रेड नहीं मार पाएंगे, तो मैंने प्लान किया मैं फटाफट से जाऊँगा ज़मीन में बॉम्ब लगाऊंगा मे बी। अरे यार ये अपना टीममेट जो है ना शॉटगन ट्रैप से नॉक हो गया, तो मेरे को फटाफट से अपने टीममेट को रिवाइव करना होगा एंड उसके बाद जो है ना हम लोग अंदर चलते हैं कैबिनेट में लगा वहाँ पे एक स्टील का डोर है उसमें लगाएंगे बम एंड उसके बाद तो डेफिनेटली गाइज अपने को वो मिल ही जाएगा। क्या इसका कैबिनेट? मुझे पता है कुछ नहीं मिलेगा बट अपन लोग मजे कर रहे हैं बस। अरे यार एक बम गलत लग गया, हाँ एक ही डैमेज आया डोर में, बाकी जो दूसरा है उससे थोड़ा सा दूर लगा था ना उसका डैमेज नहीं आया। भाई यार शॉटगन ट्रैप्स में इतनी बुलेट था ऑटो कैनन में कि 2 मिनट में ख़त्म। भाई अब जो है ना पिछले बार भी एक बेस में अपने साथ भी यही हुआ, मतलब लगभग शॉटगन ऑटो कैनन में लगभग 100-150 बुलेट रहा होगा, तो बुलेट्स काफ़ी जल्दी ख़त्म हुआ। तब तक जो है ना मैंने वहाँ पे C4 लगा दिए ऑटो कैनन में। भाई यहाँ पे भी वही सीन हुआ बट यहाँ पे जो है ना अपना टीममेट नॉक हो चुका है, तो मैंने कहा फटाफट से जो है ना अपने टीममेट को देके आता हूँ बैग। तो जैसे ही यहाँ पे मैं बैग देने गया, ये बंदा वही है जिसका वो बेस था एंड उस बंदे ने जो है ना कैबिनेट फोड़ रखा अपना, तो वो घोड़े में था। वैसे मैंने इसको मारने का ट्राई किया, घोड़े में लगभग काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया बट वो वहाँ पे नॉक नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा था डेफिनेटली वो बंदा दोबारा से आएगा ज़रूर अपना गाड़ी उठाने के लिए, बट कोई नहीं गाइज अपन लोग मार देंगे। वैसे ऑलरेडी भी मैंने जो है ना अपना गाड़ी से फ्यूल वगैरह निकाल के रखा हुआ है, तो वो बंदा लेके आएगा अपने बेस से फ्यूल वगैरह। बट यहाँ पे अपने को कैबिनेट वगैरह मिला, तो फटाफट से यार अपन लोग जो है ना इसका कैबिनेट उड़ाते हैं। 2 ऑयल ड्रम्स लगाता हूँ मैं इसके कैबिनेट में बट ऑयल ड्रम्स है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे लगाते हैं हैंड मीडी। वैसे भी लीव कर रहे हैं गाइस सर्वर, एटलीस्ट थोड़ा सा मज़े वगैरह करके तो चलें। तो यहाँ पे गाइस जितना भी लूट वगैरह था अपने को थोड़े से बॉम्ब्स वगैरह मिले यहाँ पे, थोड़ा सा GP एंड सल्फर वगैरह मिला, तो मैंने सारा का सारा उठाया एंड उसके बाद मैंने अपने टीममेट को भी बैग दिया। मैंने कहा यार जितना भी अपने पास यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह मिला सारे का सारा कंपोनेंट्स लेके चलते हैं, डिसमेंटल करेंगे एंड कल को जो है ना अपन लोग किसी भी भाई लोग को अपना सारा का सारा बेस का सामान वगैरह दे देंगे, क्योंकि तब तक अपन लोग सारा का सारा GP एंड सल्फर वगैरह ख़त्म कर देंगे अपना। तो फाइनली गाइज यहाँ पे ये बेस वगैरह तो रेड हो चुका है एंड अभी जो है ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं। उसके बाद मेरा प्लान बना क्यों ना आज हम लोग जो है ना टैंक फोड़ते हैं, टैंक या फिर हैली जो भी आएगा वो फोड़ेंगे। तो जैसे गाइज हम लोग इसके बाद जो है ना हैली फोड़ने जा रहे थे, तो अपने को एक जगह में एक बंदा दिखा, जैसे ही मैंने उसको मारा भैया ये तो वही कल वाला हैकर था। मैंने कहा भैया अभी जो है ना अपन लोग हैली तो नहीं फोड़ सकते, हैली से तो बढ़िया है अपन लोग टैंक फोड़ लेंगे। बट वहाँ पे टैंक फोड़ने गए बट वहाँ पे भी गाइज बहुत गलत सीन हुआ अपने साथ। वो सीन क्या हुआ वो तो आपको वहीं पे पता चलेगा। तो मैंने गाइज अभी जितना भी सामान अपने को चाहिए था वो सारा का सारा उठा लिया है एंड जितने भी गन्स वगैरह है AR वगैरह वो मैंने उठाकर अपने सेफ में डाल दिया है, क्योंकि कोई बंदा आएगा सामान वगैरह लूटने का था एटलीस्ट यार उसको AR तो नहीं मिलेगा, मतलब अपनी मेहनत करके उसको ढूंढना पड़ेगा। लगता है यार अपनी गाड़ी में कोई बैठा, मुझे आवाज़ आया, तो हम लोग जो है ना फटाफट से यहाँ पे सब बाहर निकले, तो अपने को लगा कोई बंदा जो है ना अपनी गाड़ी वगैरह लेके ना जाए। तो चलो यार चलते हैं, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स वगैरह हैं तो छोड़ो यार, इस कंपोनेंट्स का लेके कोई भी फ़ायदा नहीं है। गेट क्लोज टू द टारगेट, अंदर है वो। तो यहाँ पे से मैं बाहर निकला बट मेरी गाड़ी में कोई ना कोई बैठा हुआ है। ओके इसका घोड़ा भी है यहाँ पे, तो इसको मारते हैं हम लोग फटाफट से। भाई निकलेगा तो नहीं ये बाहर, ऐसे कर तो यहाँ पे लैडर में ऑयल ड्रम्स लगाने का ट्राई करता हूँ। पहले तो लग जाता था बट अभी ऑयल ड्रम्स लैडर्स में नहीं लग रहा है। भाई लकीली ये बंदा खुद पे खुद बाहर निकला,
मैंने फटाफट से उसको नेक नॉक किया एंड अभी जो है ना गाइस हम लोग फटाफट से निकलते हैं सीधा अपने बेस में गाड़ी में बैठ के। थोड़ा फ्यूल वगैरह डालूं मेरे बैकपैक में फ्यूल एंड यहां से गाइस अपने को फ्यूल तो काफी ज्यादा मिला, लगभग मैं अपने बेस से अराउंड 400 फ्यूल लेके आया था एंड इस बेस से जो है ना अपने को फ्यूल बहुत मिला। तो चलो यार अभी हम लोगों ने गाड़ी में फ्यूल वगैरह डाला एंड फटाफट से जो है ना हम लोग निकलते हैं यहाँ पर से सीधा अपने बेस में। भाई मतलब यार जिस तरीके से पहले मजा आता था ना खेलने में, अब तो हैकर दोबारा से वही टाइम हो चुका है कि हैकर जो है ना आके बंदे वगैरह भगा देते हैं। बताओ यार हैकर भी रैंक में फार्म कर रहा है, अगर यार इतने ही हैकर हो ना स्टैंडर्ड खेलो तो मजा आएगा। तो चलो यार फटाफट से हम लोगों ने अपने के लिए एमो वगैरह बनाई एंड अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से बाहर एंड यहाँ पे अपने को एक बंदा दिखा जो कि लगता है अभी सर्वर स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार इसको हम लोग थोड़ा सा AR वगैरह दे देते हैं। तो अराउंड में 4 से 5 AR लेके आया तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप करा। जो बंदा अभी सर्वर ज्वाइन किया था हम लोगों ने लगभग उसको 4-5 AR दिए, मैंने कहा ले बेटा लेके जा और मजे कर। तो वो बंदा जो है ना हम लोगों से AR लेके गया एंड उसके बाद यार अपने बेस के अगल बगल नहीं दिखा। तो बट कोई नहीं यार ठीक है एंड मेरे को यहाँ पे अपने कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग मिले एंड मैंने जो है ना गाइस उनसे बात करे जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टरेंट चाहिए तो मेरे से ले लेना क्योंकि मैं नेक्स्ट डे को सर्वर छोड़ के जा रहा हूँ। तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टरेंट होगा मैं तुम लोगों को दे दूंगा एंड यहाँ पे जो है ना फेक वन क्लू इन बंदों को मार रहा था। मैंने कहा यार वो क्या तेरे को कैंप वगैरह कर रहा है, तो वो बोल रहे नहीं हम लोग थोड़ा सा मजे वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बट मैंने उनको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टरेंट चाहिए तो मेरे से ले लेना क्योंकि कल जो है ना मैं ये सर्वर वगैरह लीव कर रहा हूँ सारे के सारे बॉम्ब्स वगैरह का वेस्ट करके। तो वो बोलने लगे भाई यार बॉम्ब वगैरह वेस्ट क्यों कर रहे हो। मैंने कहा यार मन नहीं कर रहा है सर्वर में खेलने का एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे से निकले। ये बंदा दिखा तो इसने जो है ना मैडमैक्स भाई को मारा। तो मैडमैक्स भाई बोले यार ये इतने जल्दी मेरे को नॉक कैसे कर रहा है। जैसे ही मैंने इसको फिनिश किया ना तब मुझे पता चला यार ये तो जो है ना हैकर है। तो मैंने कहा भैया अभी तो रह के कोई भी फायदा नहीं है, हम लोग जो है ना एक्चुअली में हैली फोड़ने जा रहे थे ऊपर वाले अबेंडेंट में। तो मैंने कहा भैया अभी तो हम लोग नहीं फोड़ पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा चलो हैली नहीं अपन लोग ऐसे करते ना टैंक फोड़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग टैंक फोड़ने के लिए निकल ही रहते। तो यहाँ पे इसका गाड़ी है, वैसे भी इसने बाइक किया होगा तो ऐसे करते ना इसका बाइक को हम लोग फोड़ देते हैं। चल बेटे थोड़ा सा फ्यूल वगैरह तो मिला अपने को। इसका गाड़ी मैंने उड़ा दिया, आएगा दोबारा लेने के लिए तो उसको गाड़ी जो है ना फूटा हुआ दिखेगा। तो उसके बाद मैं फटाफट से गाड़ी में बैठा, मैंने जो है ना अपने टीममेट को बिठाया गाड़ी में। उसके बाद हम लोग निकले सीधा एयरपोर्ट के साइड में। बट एयरपोर्ट में हम लोग पहुँचे बट यार अपने साथ काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ मिला अपने को। वो क्या सरप्राइज़, बट यहाँ पे अपना टीममेट बोलने लगा भाई डिसमेंटल चेकआउट करो। मे बी वो बंदा जो है ना अपना कंपोनेंट्स वगैरह डिसमेंटल करने के लिए आया होगा, बट बाद में हम लोगों को पता चला वो कंपोनेंट डिसमेंटल नहीं यहाँ पे फ्यूल वगैरह फार्म कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे एंड एयरपोर्ट में हम लोगों ने चेकआउट किया कि अपने को कहीं ना कहीं तो टैंक मिला है। बट यहाँ पे जो है ना गाइस लगता है किसी ना किसी बंदे ने जो है ना डी फ्री फायर के लिए ये टैंक को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। बट यहाँ पे यार अपने को टैंक वगैरह तो नहीं दिखा। तो मैंने कहा क्या पता यार वो वेयर हाउस की तरफ होगा। तो हम लोगों ने गाड़ी को घुमा के गए, मैंने कहा कहीं ना कहीं पर टैंक होगा तो अपने को मिल जाएगा। बट बाद में हमें पता चला यार टैंक रहता तो टैंक जो है ना अपने को तो दूर से ही मारने लग जाता। फाइनली मेरे को यहाँ पे पता चला यार टैंक वगैरह नहीं है। फिर हम लोगों ने डिसाइड करा चलो ऐसे कहते ना अपने पास इस टाइटेनियम का आर्मर है एंड जितने भी एक्स्ट्रा एमो है वो हम लोग अपने गोल्डन कोस्ट वाले छोटे से बेस में रखते हैं एंड उसके बाद हम लोग जो बंदे जो है ना उनको कैंप करें तो वहाँ जाते हैं। बट बाद में हम लोग गए वहाँ पे यार कोई भी कैंपिंग वगैरह नहीं थी, लगता है सारा का सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया था। तो उसके बाद यार हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यहाँ पे से तो वो भाई ऑफलाइन चले गए एंड यहाँ पे एक बेस मिला था अपने को लॉन्ग व्यू प्लेन के पास में। तो मैंने डिसाइड करा चलो यार उसको हम लोग रेड करते हैं। तो अभी यार अपन लोग चलते हैं फटाफट से सारा का सारा सामान यहाँ पे रखेंगे फिर चलते हैं अपन लोग उस बेस को रेड करने के लिए। तो ओके गाइज यहाँ पे मैं पहुँचा एंड ये रहा बेस और मेरा प्लान है चलो इसको रेड करके देखते हैं इससे अपने को क्या मिलता है क्योंकि ये बंदा भी यार काफ़ी दिन से ऑफलाइन है। इसका बेस वैसे ही डिके हो जाएगा, डिके होने से पहले से जो है ना मैंने डिसाइड करा चलो इसको रेड करते हैं। वैसे मेरा प्लान था मैं ऊपर से जाऊं बट यार 2x2 का है, ऊपर से जाके कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मैंने डिसाइड करा चलो नीचे से रेड करता हूं। बट नीचे से रेड करूंगा यार यहां पे मेरे को ये जो हाई वॉल का डोर है ना उसको उड़ाना पड़ेगा एंड उसको उड़ाने में लगभग 5 से 6 के करीब मैं तो हैंडमेड 101% लगेंगे एंड जंप करके भी जाऊँगा तो कोई दिक्कत ना हो जाए। बाहर निकलने के लिए मेरे को इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर क्या था गाइस मैंने फटाफट से यहाँ पे हाई वॉल के डोर में जो है ना लगाया C4 हैंडमेड
अराउंड 6 हैंडमेड्स में टूटेगा, एक एक्स्ट्रा लगा दे क्योंकि मैंने कभी भी इसमें लगाया नहीं तो मुझे इतना पता नहीं है। तो यहाँ पे चेकआउट करता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस शॉटगन ट्रैप है, फर्नेस है, तो एटलीस्ट एक बार ही फर्नेस चेकआउट करना तो बनता ही है। बट शॉटगन ट्रैप्स लगा था अपने में, तो थोड़ी सी हेल्थ वगैरह कम हो चुकी है, तो मैंने डिसाइड करा चलो यार यहाँ पे हम लोग रोटेट करके चलते हैं। बट पहले मैं शॉटगन ट्रैप्स का एमो वगैरह ख़त्म कर रहा था, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा यहाँ पे से मैं इजीली जा तो सकता हूँ। ओके देखते हैं गाइस इसमें कुछ है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा वुड वगैरह है, तो मैंने जितना भी वुड था वो सारा का सारा उठाया। एंड उसके बाद यार मैं यहाँ पे चेकआउट करने लगा, तो यार यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने कहा यार बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा है तो रीड करना तो बनता ही है। बॉक्सेस बोले तो लूट, लूट बोले तो आई एम रिच। तो यहाँ पे मैंने 4 C4 लगाया फटाफट से। एंड फाइनली गाइस इसका पहला डोर तो टूटा। एंड यहाँ पे जो है ना ऑटो कैनन्स लगा के रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर वेट किया बट ये ऑटो कैनन मार ही नहीं रहा था, तो मैंने डिसाइड करा चलो यार इसकी ऑटो कैनन तोड़ने के लिए लगाता हूँ यहाँ पे C4। बट सीन क्या हुआ गाइस, यहाँ पे जैसे मैंने C4 लगाया ना उस टाइम में इसका कैबिनेट भी टूट गया। तो यहाँ पे अब भैया अपने 2 C4 भी बेस्ट, बट कोई नहीं। एंड यहाँ पे जो है ना गाइस ऑटो कैनन में लगभग 100-150 के करीब बुलेट्स थी, तो यहाँ पे मैंने शॉटगन बुलेट्स ऑटो कैनन का बुलेट्स ड्रेन करने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, बट बाद में मुझे लगा मे बी यार काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने बॉम्ब लगाए, बट यार उसका शॉटगन ऑटो कैनन का एमो ही ड्रेन हो चुका था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे सामान वगैरह तो ड्रॉप हुआ है, बट मुझे यार अभी तक पता नहीं था कि शॉटगन ट्रैप्स ऑटो कैनन में जो है ना बुलेट्स ख़त्म हो चुकी है, तो मैं डर रहा था अंदर जाने के लिए। तो मैंने डिसाइड करा चलो ऐसे में हम लोग चेकआउट करते हैं, क्या पता अपने को जीपीए वगैरह मिले। ओके गाइस बजूका तो मिला अपने को, बट यार ये शॉटगन ट्रैप्स मार रहा है, तो अपने को जो है ना फटाफट से निकलना पड़ेगा। जितने भी बॉक्सेस में लॉक नहीं थे तो सारा का सारा लूट उठा के मैंने अपने बैकपैक में रखा हुआ है। एंड अभी जो है ना अपन लोग चलते हैं सीधा अंदर, एंड जितना भी लूट होगा उठाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा अपने बेस में। वैसे यार कल के लिए जो है ना अपन लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े बेसिस सोचे हुए हैं, तो देखते हैं गाइस रेड होगा या नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो मेरे को अभी भी डर लग रहा है अंदर जाने में, क्योंकि मुझे लग रहा था ऑटो कैनन में जो है ना बुलेट्स है, बट जैसे यहाँ पे पब पहुँचा डरते डरते आगे गया, एंड मैंने देखा यार ऑटो कैनन का जो बुलेट्स है ना वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है भाई। मतलब यार एकदम किस्मत ख़राब है इस वाले सर्वर में, लिटरली पहले इतने बंदे थे ना गाइस, इतने बंदे, बट हैकर ने यार सारे के सारे बंदे भगा दिए हैं। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा इस सर्वर में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना आप थोड़ा सा हम लोग लैंडो डाउन खेलते हैं, उसमें भी गाइस ऐसी रेड करेंगे, मतलब अपने को बॉम्ब से मतलब नहीं है, सिर्फ मज़े करने हैं। तो मज़े करने के लिए यार लैंड ऑफ डाउन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इजीली फार्म वगैरह मिलता है। तो ऊपर चल के देखते हैं, मे बी ऊपर क्या पता सल्फर वगैरह का बॉक्स वगैरह हो, मे बी ऊपर अपने को कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा। तो यहाँ पे तो यार ये है, उसने रॉकेट लॉन्चर लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा भैया मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बट यार ठीक हुआ बजूका का सेल्स नहीं थे इसके अंदर, अगर रहते तो ना अपना साथ काफ़ी गलत सीन होता। तो यहाँ पे यार कुछ खास था नहीं, तो मैंने कहा चलो यार अब चलते हैं सीधा यहाँ पे से बाहर। एंड जितने मेरे पास बॉम्ब्स वगैरह थे सारे के सारे बॉम्ब्स वगैरह तो ख़त्म हो चुके हैं, बट ये थोड़े से बॉम्ब्स वगैरह बचे हुए हैं, तो इनको जो है ना हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे यूज़। तो चलो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ गाइज मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। एंड फाइनली यहाँ पे अपना डे 9 होता है कंप्लीट, लिटरली काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, मैं 3-4 घंटे खेला, मुझे जो है ना एक भी बंदा नहीं दिखा, एक बंदा दिखा वो भी हैकर जिसने मेरे को कल को काफ़ी गंदा मारा था। तो चलिए गाइज मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं मिलता हूँ अगेन आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग यार काफ़ी ज़्यादा बूम बम करेंगे। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।